वेलकम बैक टू माय चैनल एआई बायोलॉजी और इट्स मी अविनाश शिंगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मेजर डिसीज हम उसे कह सकते हैं। मेजर डिसीज होता है अपना मलेरिया, जो कि मलेरिया की ऑल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मतलब उसे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम मतलब उसके स्पेसिस कितने आते हैं, उसमें डेंजर स्पेसिस भी हम देखेंगे। अनदर देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स अभी शो किया जाता है जब हमें मलेरिया कॉज होता है। अनदर देखेंगे हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम मतलब डिसीज साइकिल, जो कि डिसीज साइकिल होती है लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम, देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ से जाते हैं और कहाँ पे इन्फेक्टेड अपनी स्टेज होती है। अनदर नेक्स्ट देखेंगे हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मतलब उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अनदर देखेंगे कि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब इससे प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। या अनदर आप वीडियो को भी चैनल को भी विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं अनदर, ठीक है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी डाउट हो वीडियो में एंड में आपको कोई भी रिलेटेड टू द लेक्चर डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का आंसर देते रहता हूँ, ठीक है। और अनदर जिसे जरूरत है आपके फ्रेंड्स या अनदर जिसे जरूरत है उसे शेयर करते जाइए, ठीक है। क्लियर बात है, ठीक है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कि मलेरिया जो कि डिसीज है, मलेरिया कैसे कॉज होता है, ठीक है। रेड कलर का पेन का यूज करेंगे हम, ठीक है। देखिए मलेरिया आपको तो पता है जनरल नॉर्मल डिसीज है, आप ज़्यादा से मतलब जो भी व्यूवर देख रहे हो अभी से बातें उनमें से किसी को हो भी चुका होगा, मतलब होता ही है, नॉर्मल डिसीज है ये अपना मलेरिया, ठीक है। तो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है, प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट डिसीज को कॉज करने के लिए उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, क्या एजेंट हो सके मतलब पैथोजन होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अनदर फंगस हो गया। तो उसी तरह से ये जो प्रोटोजोआ है, तो अभी सी बात है एक बात ध्यान में रखिए, जो कि मलेरिया कॉज करता है वो प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है, अपना प्रोटोजोआ। बात क्लियर है, मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है, प्लाज्मोडियम होता है। कौन होता है, प्लाज्मोडियम। क्लियर है, क्लियर बात है, ठीक है। तो देखेंगे वन बाय वन, एक लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है। तो क्या है अपना, इट इज अ वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन और डिसीज। सबसे पहले क्या कहा गया है, ये क्या है अपना, वेक्टर बॉर्न, ठीक। क्या होता है, वेक्टर बॉर्न डिसीज, ठीक है। मैंने फीमेल एनाफिलिक का नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, तो मैं आपको वेक्टर समझा देता हूँ क्या होता है। वेक्टर बॉर्न डिसीज, वेक्टर बॉर्न का वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जिसे माध्यम की जरूरत होती है। जैसे कि डायरेक्टली प्लाज्मोडियम हमें कॉज नहीं करेगा, ठीक है, डायरेक्टली हमारे शरीर में एंटर नहीं करेगा, तो उसके बीच में एक एजेंट रहेगा। क्या रहेगा, एजेंट, ठीक है। तो उस एजेंट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर। और मलेरिया जो कि वेक्टर मतलब हम मलेरिया में कौन वेक्टर है, ये होता है अपना मॉस्किटो, जो कि फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफेलिक मॉस्किटो, ठीक है। जो कि फीमेल एनाफेलिक मॉस्किटो होती है वो मलेरिया में क्या होती है, अपनी वेक्टर होती है। इसीलिए मलेरिया को हम क्या कहते हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीज कहते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली इन्फेक्शन नहीं करता है, उसे किसी की माध्यम की जरूरत होती है। किसे लिए माध्यम, मतलब मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं कि डायरेक्टली वो क्यों नहीं आ सकता। डायरेक्टली आने की मतलब क्या है कि जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसकी फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसे एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ऑब्वियसली बात है इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, वो इन्वायरमेंट मॉस्किटो के अंदर में उसे मिलता है, हमारे अंदर नहीं मिलता है। इसीलिए उसकी जो फर्टिलाइजेशन की जो स्टेज होती है, वो फर्टिलाइजेशन की स्टेज मॉस्किटो में होती है। और मॉस्किटो में जब वो मीरोसाइट नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे उसे, स्पोरोसाइट, ठीक है, क्या कहेंगे, स्पोरोसाइट के फॉर्म में हमारे बॉडी में वो एंटर करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसे किसकी जरूरत पड़ती है, एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। किसकी, वेक्टर की जरूरत। इसीलिए क्या कहते हैं, इसी द वेक्टर बॉर्न डिसीज। देयर आर फोर स्पेसिस ऑफ प्लाज्मोडियम एज, ठीक है, मतलब उसके कितने स्पेसिस पाए जाते हैं, क्योंकि आज तक डिस्कवर किए गए उसके कितने स्पेसिस है, फोर स्पेसिस, ठीक है। सबसे पहले होता है अपना प्लाज्मोडियम विवैक्स। क्या होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है उसका, 14 डेज, जनरली 14 डेज, ये 28 डेज थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो अभी सी बात है कि डिफरेंट प्रोटोजोआ है जो कि इंक्यूबेशन पीरियड मतलब इन्फेक्शन होने के जहां से हमें पता चलता है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है प्लाज्मोडियम विवैक्स, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज, और अनदर उसका जो कि पैटर्न ऑफ फीवर होता है वो हाई फीवर होता है आफ्टर द 48 आवर्स, ठीक है।
तो हाई फीवर आने लगता है हमें, ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन दिए। सेकंड होता है अपना प्लाज्मोडियम मलेरिया। क्या होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया सेकंड टाइप का प्लाज्मोडियम है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है अपना 28 डेज। क्या इंक्यूबेशन पीरियड है? 28 डेज। और अनदर होता है उसका जो कि हाई फीवर होता है वो कब आता है अपना? आफ्टर 72 आवर्स। 72 आवर के बाद उसका क्या आता है अपने? फीवर आता है, वो भी हाई फीवर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल इस स्पेसिस ध्यान में रखिए, आ सकता है कि कौन सा डेंजर है मैं बताऊंगा आपको। प्लाज्मोडियम ओवेल्स होता है जो कि जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है अपना 17 डेज, और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जिसे भी हाई फीवर आता है जिसके आफ्टर द 48 आवर। 48 आवर के बाद उसमें क्या आता है अपना? इन्फेक्शन के 40 आवर बाद क्या होता है अपना? हाई फीवर आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ये हाईली आप कह सकते हैं कि सबसे डेंजर जो मलेरिया होता है, सबसे डेंजर मलेरिया होता है अपना प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। क्या होता है अपना? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो कि जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है अपना 12 डेज, और इसमें भी हाई फीवर आता है, और इरिस्पेक्टिवली टाइम मतलब वो 22 आवर या 48 आवर के बिटवीन में कभी भी आ सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जो कि होता है अपना प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम पी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम ये क्या होता है अपना? हाईली डेडली वे, सम केसेस में वो डेडली भी दिखा गया है, मतलब उसमें इंसान मर भी सकता है। क्या भी हो सकता है? मर भी सकता है। वो होता है अपना प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो कि डेडली भी हो सकता है, अपने ब्रेन पे भी वो इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ना टाइप्स ऑफ, मतलब स्पेसिस हो गया, मतलब जो कि अपना प्लाज्मोडियम की इतने स्पेसिस हमें पाए जाते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या सिम्टम्स शो करते हैं जब प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाने के बाद जो कि मीरोसाइट के फॉर्म, मीरोसाइट जब बनते हैं तो सब हमें सिम्टम्स शो होते हैं, जो कि सिम्टम्स देखेंगे हम। सबसे पहला दिखा गया है कि सबसे पहले लाइन देखेंगे कि सिम्टम्स ऑफ मलेरिया बिगिनिंग टू अपियर अबाउट द 7 to 15 डेज। जो कि सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स शो कब होते हैं? जब हमें 7 डेज या 15 डेज हो गए। 15 डेज द बाइट ऑफ इन्फेक्शन, सॉरी बाइट ऑफ इन्फेक्टिव मॉस्किटो, जो कि इन्फेक्टिव मॉस्किटो है जिसके अंदर में, जिसके सलावरी ग्लैंड में जो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, वो मलेरिया आपको जब बाइट करेगा, तो बाइट करने के बाद 7 डे या 15 डे के बाद आपको सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। एकदम से नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है, उसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उससे फॉर्म मीरोसाइट के फॉर्म में आना है, मीरोसाइट के फॉर्म में आने के बाद वो क्या करेंगे आपका सिम्टम्स शो करेंगे। तो 7 to 15 डेज तो लग ही जाते हैं 15 डेज मतलब बाइट होने के बाद, ठीक है। तो बाइट होने के बाद उसमें दो टाइप के सिम्टम्स हमें शो करेंगे। सबसे पहला होता है अपना इनिशियल सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम्स क्या होता है? इनिशियल सिम्टम्स। तो इनिशियल सिम्टम्स देखेंगे, इनिशियल सिम्टम्स आर द फीवर, हेडेक एंड चिल्स। थोड़ा सा फीवर आना लगता है, फीवर मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है, और हेडेक मतलब क्या? सिर दर्द होना, हेडेक भी आता है, और चिलनेस होना, चिल बॉडी चिल पड़ना, ये जो होता है, ये होता है अपना इनिशियल सिम्टम्स जो कि सब में देखा जाता है। सबसे पहला होता है फीवर, जनरल फीवर है, एकदम हाई फीवर नहीं बोला है, तो उसके बाद हेडेक और चिल, ये होता है अपना इनिशियल सिम्टम्स। नेक्स्ट देखेंगे कि क्लासिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। क्लासिकल सिम्टम्स का मीनिंग क्या होता है कि आप कंफर्म कर सकते हैं। क्लासिकल सिम्टम्स का मीनिंग क्या होता है कि आप कंफर्म कर सकते हैं या एक प्रेडिक्शन भी लगा सकते हैं कि इसे शायद से क्या हो गया अपना मलेरिया कॉज हो गया, ठीक है। तो वो तो आपको करना नहीं है, जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करने के बाद जो कि पर्टिकुलर उसकी टेस्ट होती है, जो कि टेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली बात है आपको शो ही हो जाएगा क्या होता है अपना मलेरिया, ठीक है। तो क्या होता है अपना क्लासिकल सिम्टम्स। तो क्लासिकल सिम्टम्स देखेंगे, सबसे पहला होता है अपना हाई फीवर। क्या होता है? हाई फीवर मतलब जो फीवर आएगा तो वो नॉर्मल फीवर नहीं रहेगा, वो हाई फीवर रहेगा। क्या रहेगा? हाई फीवर। हाई फीवर के बाद क्या होता है अपना स्वीटिंग। स्वीटिंग का मीनिंग क्या होता है अपना? पसीने आना, मतलब पसीने आना, ठीक है, सॉरी पसीने आना। अनदर होता है सडन शिवरिंग, मतलब अचानक से ठंड लगना, एकदम कपाने लगना, सडन शिवरिंग भी आपको हो सकती है, ये होता है अपना क्लासिकल सिम्टम्स। क्या होता है? क्लासिकल सिम्टम्स। अनदर भी सिम्टम्स देखेंगे, उसमें आपको ओमिटिंग भी हो सकती है, ओमिटिंग भी होती है, उसमें जॉइंट पेन भी होता है, जहाँ जहाँ आपने जॉइंट है उसमें पेन भी होता है, जॉइंट पेन, उसे एनीमिया जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब एनीमिया होने के कारण क्या होता है कि रप्चरिंग ऑफ द आरबीसी, आरबीसी रप्चर होती रहती है। आपने जब हमें मीरोसाइट की पॉपुलेशन आरबीसी में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बढ़ने के बाद आरबीसी फट जाती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के कारण क्या होता है एनीमिया भी आपको हो सकता है। किसके कंडीशन में? मलेरिया के कंडीशन में। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है।
अनदर होता है अपना रेटिनल डैमेज भी हो सकता है, जैसे कि आईज में जो रेटिनल मतलब रेटिनल डैमेज भी हो सकता है, ज़्यादा टाइम होने के मतलब टाइम होने तक आपने इलाज नहीं किया तो रेटिनल डैमेज भी होता है और इनिशियल भी होता है, और वो होता है अपना सेरिब्लर मलेरिया मतलब ब्रेन इन्फेक्शन भी हो सकता है। ब्रेन में इन्फेक्शन ये हाईली डेडली हो सकता है, ब्रेन में मतलब आपने इलाज किया ही नहीं है बहुत दिन तक, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स शो होते हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन होने के बाद आपकी डेथ भी हो सकती है, जो कि अपना डेडली मलेरिया आपको कॉज हुआ है या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का आपको इन्फेक्शन हुआ है। तो ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स आप में आए हैं तो अब इसी बात है ब्लड टेस्ट मतलब जो कि आपको टेस्ट करना है वो टेस्ट कीजिए। वो जो पॉइंट होता है डायग्नोसिस, क्या पॉइंट है अपना डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए जगह नहीं बची थी, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, किसका अपना मलेरिया का, बात क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की क्या लाइफ साइकिल है, कहां से कहां जाता है, कैसे खाना पीना खाता है, कैसे रहता है, ये सब बातें इसमें दी गई है, क्या होता है वो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। जैसे कि आपकी लाइफ साइकिल होती है, आपकी लाइफ साइकिल जैसे कि आप घर में आए, खाना बना खाए, बाहर जाए घूमे फिरे, जो कि होता है वो इसी तरह से उसकी भी एक लाइफ साइकिल्स होती है, जो कि लाइफ साइकिल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि बाइट ऑफ मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिक आएंगी आपको काटेगी और काटने के बाद ऑब्वियसली बात है कि उसमें हमारे बॉडी में वो एंटर करेंगे, कौन एंटर करेंगे, प्लाज्मोडियम एंटर करेंगे, वो किसी भी टाइप का प्लाज्मोडियम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बाइट ऑफ मॉस्किटो, जो कि नॉर्मल सी बात है, रोज आते हैं मच्छर काट के जाते हैं, मेरे आजू बाजू में मच्छर है तो मैं तो इसकी ठीक है तो काटना तो कोई नॉर्मल बात नहीं, बाइट ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो बाइट किया और वो भी फीमेल एनोफिलिक ने बाइट करना है। ठीक है, अनदर कोई भी मॉस्किटो में उसकी लार मतलब बेसिकली जो कि अपने फर्टिलाइजर नहीं हो सकता है उसमें फीमेल एनोफिलिक है। बाइट ऑफ मॉस्किटो, बाइट ऑफ मॉस्किटो के बाद कहाँ पे एंट्री होंगी, हमारी बॉडी में एंट्री होंगी और किसके फॉर्म में, एक स्पोरोसाइट के फॉर्म में एंट्री होंगी। अब ये स्पोरोसाइट होती है क्या है, स्पोर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि प्लांट ग्रो किससे होते हैं, अपने सीड से ग्रो होते हैं, मतलब एक छोटा सा वर्जन, जो कि छोटा सा वर्जन एकदम माइक्रोस्कोपिक जो वर्जन रहता है ना उसे हम स्पोर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फंगस के स्पोर होते हैं, जो कि स्पोर उड़ के दूर जाते हैं और दूर जाने के बाद वहां पे फंगस की कॉलोनी डेवलपमेंट होती है, उसी तरह जो कि अपने स्पोरोसाइट है वो एक तरह के स्पोर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, ब्लड में एंटर करते हैं, और ब्लड में एंटर करने के बाद सब ब्लड में वो क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, और सर्कुलेट करने के बाद सबसे पहले कहां जाएंगे, हमारे लिवर सेल में। ठीक है, लिवर सेल में चले गए, ये देखो मैंने सेल निकाला है उसमें क्या अपना लिवर सेल, और लिवर सेल में एंट्री हुई अपनी स्पोरोसाइट से। ठीक है, और एंट्री होने के बाद जो कि होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइजॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, साइजॉन। ये जो साइजॉन स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये डिवाइड होते रहता है, ये जो जितने भी डिवाइडिंग स्टेज होती है ना ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहे, क्या है अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मतलब बेसिकली अपना जो मल्टीप्लीकेशन है, अपनी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बढ़ा रहे उसे साइजॉन कहते हैं, और साइजॉन के अंदर में जो ग्रो होता है उसे हम मीरोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, मीरोसाइट। ठीक है, तो ये साइजॉन स्टेज है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, और अनदर जब फीमेल मतलब मॉस्किटो में अंदर जाएगा तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। तो साइजॉन के अंदर में क्या ग्रो हो रहे हैं, अभी ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो बढ़ाने के बाद ये क्या होता है अपने पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, और बढ़ाने के बाद ये जो होता है ये जो सेल्स क्या होता है रप्चर हो जाता है, क्या होता है रप्चर मतलब बेसिकली ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के बाद जो रिलीज होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, मीरोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, मीरोसाइट। और ये जो मीरोसाइट जब हमारे बॉडी में स्प्रेड होंगे, वो ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मीरोसाइट की, और जो कि मीरोसाइट्स होते हैं यही मीरोसाइट है जो कि हमें मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक है, क्या कॉज करते हैं, मलेरिया मतलब ये जो साइन और सिम्टम्स होते हैं ना, ये सब सिम्टम्स इससे शो होते हैं जब हमारे बॉडी में मलेरिया नहीं मीरोसाइट्स कब क्या रिलीज होंगे। ठीक है, मीरोसाइट कहाँ से रिलीज होंगे, साइजॉन जो कि अंदर में ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद एक टाइम आएंगे कि सेल रप्चर होंगे, और रप्चर होने के बाद वो रिलीज होंगे जिसे हम मीरोसाइट कहते हैं, और मीरोसाइट के स्टेज में ही हमें इन्फेक्शन होगा। क्लियर है, मीरोसाइट होने के बाद एक ये आरबीसी पकड़ लेंगे मीरोसाइट, ये मल्टीप्लाई और भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीमेंट करती रहती है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, अब इसी बात है इन्फेक्शन करना है, बहुत बड़ा शरीर है उसे इन्फेक्शन तो करना ही करना है।
तो ये आरबीसी पकड़ लेते हैं, और आरबीसी पकड़ने के बाद इसमें भी इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो आरबीसी भी क्या हो रही है, रप्चर हो रही है। मैंने यहाँ पे बताया था जैसे कि क्या हो रहा है, एनीमिया है जो कि रप्चरिंग ऑफ द आरबीसी, मतलब आरबीसी फूटने के कारण आपको एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे ये रप्चर हो गया तो आरबीसी क्या हो गई, रप्चर हो गई। और आरबीसी रप्चर होने के बाद इसमें होता क्या है कि कोई जो कि मेल्स होते हैं वो मेल अनदर आरबीसी पकड़ लेते हैं, और जो कि फीमेल्स होते हैं वो अनदर आरबीसी पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये तो इन्फेक्शन स्टेज मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है। तो आरबीसी मेल एंड फीमेल सेपरेट हो गए, और मेल एंड फीमेल सेपरेट होने के बाद अभी सी बात है फिर से वो मॉस्किटो आएगा, फिर से मतलब वही नहीं आएगा, दूसरा कोई भी आ सकता है, पर होना चाहिए फीमेल एनाफिली की, ठीक है। तो फीमेल एनाफिली आया तो फीमेल आई सॉरी क्या आई फीमेल एनाफिलिक आई, और आने के बाद उसने बाइट कर दिया। बाइट करने के बाद इसके बाद की जो साइकिल से वो किसमें चलेगी, मॉस्किटो के अंदर में, ठीक है। तो मॉस्किटो आने के बाद उसमें मेल एंड फीमेल चले गए, तो मेल एंड फीमेल चलने के बाद उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें स्पोरोसाइट का निर्माण होगा, क्या होगा, स्पोरोसाइट। और ये जो स्पोरोसाइट है, ये स्पोरोसाइट कहाँ पे ट्रैवल करेंगे, ये जाएंगे अपने सलाइवरी ग्लैंड में, किसके सलाइवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में एंटर करेंगे। और सलाइवरी ग्लैंड में एंटर करने के बाद बाइट ऑफ मॉस्किटो, मतलब वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो फिर से बाइट करेगा, और फिर से बाइट करने के बाद ऐसे कंटिन्यूशन में साइकिल चलती रहेंगी। और मेरोजाइट जब आएगा तब हम क्या करेंगे, सॉरी हमें क्या होगा, सिम्टम्स होगा मलेरिया कॉज होगा। बात क्लियर है यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट्स करते जाइए, किस आपको समझ में नहीं आया तो मैंने सिंपल से आपको बताया, आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अनदर आप देखेंगे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो मलेरिया तो हो रहा है तो उससे बचे कैसे, ये बात तो है कि बचना भी आपको समझाना पड़ेगा ना, तो किससे बच सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहला होता है अपना प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो बाइट यूजिंग द मॉस्किटो नेट, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप नींद मतलब सोते समय जागते समय तो आप मॉस्किटो को काटने नहीं देंगे, और या काट भी सकता है कोई बात नहीं, तो जब आप सोते समय आप मॉस्किटो नेट का यूज कर सकते हैं जिससे आप मॉस्किटो बाइट से बच सकते हैं। मॉस्किटो बाइट से बचना है बस, बाकी कुछ नहीं। या अनदर भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस आ गए हैं जो कि आप लगाकर मॉस्किटो को भगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्प्रे भी आ सकती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, किसके लिए, प्रिवेंशन है कंट्रोल के लिए, ठीक है। अनदर होता है अपना स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड, मतलब आपको पता है कि जो मच्छर के लार्वा होते हैं जनरली खराब पानी में या प्रदूषित पानी में आता है, आजू बाजू में सांड पानी रुकने मत दीजिए, और रुक भी गया तो उसमें क्या कीजिए, स्प्रेइंग कीजिए इंसेक्टिसाइड, मतलब जो कि कीटकनाशक होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, वो इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करके उसका लार्वा या उसके जो एग्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये अपना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है अपना मॉस्किटो लार्वा कैन बी द कंट्रोल बाय द यूजिंग द क्या है अपना गैम्बेसिया फ्रेश वाटर फिश है, ये एक प्रकार के फिश है, मतलब ये जो फिश है ये फिश एज अ बायो कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं। बायो कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि ये जो फिश है इसके लार्वा को या कोई भी स्टेज में खा सकती है, मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, एज अ बायो कंट्रोल भी आप उसे यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद अपने मलेरिया होने, मतलब अभी सी बात है वो मॉस्किटो को डेवलपमेंट करने के लिए रोक सकते हैं और आपको मलेरिया नहीं होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो कि होता है अपना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया स्पेसिस डिस्कस किया, साइन एंड सिम्टम, डिसीज साइकिल, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। बात क्लियर है यहाँ तक, सबको वीडियो समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपने नहीं किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो, और या डाउट नहीं भी हो तो तभी भी कमेंट्स करते जाइए। और अनदर जिसको शेयर करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको आपको शेयर करना है उसे जरूर से शेयर कीजिए, ठीक है। आप चैनल पे आए तो आपका धन्यवाद है, और फिर से धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।